Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, respected participants, I'm sure that all of you are fine and enjoying the blessings of Almighty Lord. In Assalamu alaikum. आज के सेशन में हम जो हैं कुछ बात करना चाहेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स की जो शायद इंग्लिश ऐसे की कहानी जो है हम अक्सर सुनते हैं और अक्सर औकात जो है वो हम ऐसे को देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हम मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसको इवेल्यूएट करने के लिए हमारे पास वही रिपोर्ट हमें काम दे सकती है, वही रिपोर्ट हमें हेल्प आउट कर सकती है जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने खुद जारी की है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जब भी CSS के पेपर लेता है उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है। हम इंग्लिश ऐसे में क्या करना है क्या नहीं करना, इससे पहले हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि हमसे हमारा जो इवेल्यूएटर है जो ये चाहता है कि हम ऐसे लिखें वो क्या चाहता है, उसकी उसका मतलब क्या है, उसकी मंशा क्या है। वो कहीं ऐसा तो नहीं जो हम चीज़ें बिल्कुल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं और जो चीज़ें वो मांगता है वो कुछ और चीज़ें हैं। सो हमें इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन समझने की ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है कि ये सारी की सारी चीज़ें कैसे ऑपरेट करती हैं, किस तरह से हम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। देखिए, ऐसे लिखने का पहली चीज़ एक क्रूशियल कंपोनेंट है CSS में। जब मैं ये क्रूशियल कंपोनेंट की मैं बात करूँगा तो यहाँ पे मैं शायद आपको ये बताना चाहूँगा कि CSS के ऐसे के अंदर CSS पूरे के पूरे के अंदर अगर कोई एक चीज़ ऐसी है जो आपको पास या फेल करवा सकती है पूरे का पूरा CSS का पेपर, तो वो आपका ये CSS का ऐसे ही है। ये इस तरह से है कि बाकी सारे के सारे पेपर आप अटेम्प्ट करते हो, बाकी सारे के पेपर का गिवन सिलेबस है जो आप फॉलो करते हो जिसके मुताबिक आपको जो है वो पेपर आता है, लेकिन सिर्फ ये ऐसे एक ऐसी चीज़ है जो आपका इम्तहान है। बाकी सारे की सारी चीज़ें जो है 11 पेपर एक तरफ होते हैं और ऐसे का पेपर एक तरफ है। और अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ ये जो क्रूशियल कंपोनेंट है अगर ये कहा जाए कि यही असल में CSS है, क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं है जो आपको बताया जाता है, ये सिर्फ एक ऐसी आर्ट है जिसको आपको समझना होता है जिसको आपको लेके चलना होता है, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। CSS में 2016 में कुछ तब्दीलियाँ आई, कहा गया, उन्होंने कहा कि कैंडिडेट्स जो हैं उनको रिक्वायर ये है कि हम उन्हें 10 के करीब टॉपिक देंगे और एक ऐसे उन्होंने लिखना है, वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन। अब कैंडिडेट से मांगा ये गया, पूछा ये गया कि आपने कैसे ऐसा लिखना है जिसमें कंप्रिहेंसिव और रिसर्च बेस्ड नॉलेज जो है वो होना चाहिए। यहाँ पे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चीज़ें आज से पहले अपने अपनी ज़िंदगी में पढ़ रखी हैं, ऐसी चीज़ें जो आज से पहले अपने अपनी लाइफ में देख रखी हैं, आपको लगता है कि यार हाँ ये बड़ा बेहतरीन सी चीज़ें मैंने ऐसे राइटिंग की तकनीक से, उनको अनलर्न कर दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको हेल्प आउट नहीं करने जा रही। एक CSS ऐसे के पेपर के अंदर आपको रिसर्च बेस्ड नॉलेज चाहिए, क्रैमिंग बेस्ड नॉलेज नहीं चाहिए, रिसर्च बेस्ड। और रिसर्च बेस्ड नॉलेज से मतलब ये है कि एक ऐसी चीज, एक होती है सर्च, सर्च का मतलब होता है क्या, मतलब होता है सर्च का, सर्च का मतलब क्या होता है, जरा मुझे मतलब समझाएंगे सर्च का क्या होता है, चैट बॉक्स में जरा लिख के बताएंगे सर्च का मतलब क्या होता है। सर्च सिंपल सा है, सभी को पता होगा सर्च, सर्च करना क्या होता है। सो सर्च करना क्या होता है, डेफिनेटली सर्च करना हमारे पास होता है तलाश करना, वेरी गुड शाजिया, किसी चीज को लुक करना, उसको देखना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर आपके पास जो है जब आप किसी चीज को तलाश कर रहे होते हैं, यू आर फाइंडिंग समथिंग, वो सर्च। लेकिन CSS के पेपर में आपने रिसर्च करनी है। अभी रिसर्च बेस्ड क्या है, जिसको ऑलरेडी सर्च किया गया है आपने उसको भी दोबारा से सर्च करना है। किस किस को यहाँ तक मीनिंग समझ में आ गया कि क्या काम करना है, जो नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो मौजूद है आपके पास, जो सर्च बेस्ड है उसको भी दोबारा से आपने रिसर्च करना है,
पहली बात तो ये समझ में आ गई। और किसकी करनी है? सिलेक्टेड टॉपिक्स की। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट कह रही है, जो उन्होंने जारी की है इंग्लिश ऐसे के हवाले से। अब कैंडिडेट जो हैं उनकी आर्टिकुलेशन, ये हम देखेंगे आज की क्लास में कि कितने परसेंट जो है आपका कंटेंट मैटर करता है, कितने परसेंट आपकी लैंग्वेज मैटर करती है, कितने परसेंट आपका स्ट्रक्चर मैटर करता है। एक रिसर्च बेस्ड नॉलेज जो है उस पर आर्टिकुलेशन, आपका एक्सप्रेशन, ये चीजें हम जब इंडिविजुअल इवेल्यूशन सेशंस अटेंड कर रहे होते हैं अपने एस्पिरेंट्स को, मैं टाइम एंड अगेन बताता हूँ कि आपने अपने अपने एक्सप्रेशन को बेहतर करना है और टेक्निकल ट्रीटमेंट को बेहतर करना है ऑफ एसे राइटिंग, ये चीजें एग्जामिन की जाती हैं। अब सीएसएस में इस रिपोर्ट ने हमें कुछ और चीजें दिखाई, थोड़ा सा आगे चलते हैं देखने की कोशिश की जगह। वो कहते हैं जी पिछले कुछ सालों में मैंने कुछ रिपोर्ट्स, हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं कि हमने कुछ पेपर्स जो हैं वो कंडक्ट किए और जो रिजल्ट्स थे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहे थे। और रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री क्यों नहीं रहे, उसकी बड़ी वजह क्या थी? उसकी सबसे बड़ी वजह ये बताते हैं कि देखिए हमारे पास जो है सम ऑफ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एग्जामिनर्स, सम ऑफ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एग्जामिनर्स रिपोर्ट हाईलाइटिंग द वीकनेस एंड द कॉमन मिस्टेक्स इन द एसे राइटिंग्स आर रिप्रोड्यूस्ड बिलो। वो कहते हैं जी हम दोबारा से आपके सामने कुछ जो है वो पॉइंट्स बता रहे हैं। सीएसएस के पेपर में क्या हुआ, 2014 की हम बात इसलिए नहीं करेंगे कि उससे पहले जो है वो सिलेबस कुछ और था, कुछ चीजें और थी, हम बात करेंगे 2016 से ऑनवर्ड्स की जो है वो। सो हमारे पास 2016 में जो रिपोर्ट जारी होती है उसकी पहली लाइन अगर आप देखें तो लिखा है द परफॉर्मेंस इन द इंग्लिश एसे वाज अनसेटिस्फैक्टरी। अनसेटिस्फैक्टरी डेफिनेटली कि मुतमईन नहीं थे। खैर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो काम की बात है हम वो बताते हैं। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, आज हमने ढंग से कुछ चीजें समझनी है सीएसएस के ऐसे के हवाले से जो है वो। एक चीज याद रखिएगा कि मेजोरिटी जो है वो उसने बताया कि ये फेल हो गई थी सब्जेक्ट के अंदर, 98% लोग जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं जी सीएसएस ऐसे के पेपर के अंदर जो है वो। मैंने इसलिए जब आपसे अर्ज किया कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स का सफर एक तरफ होता है, 11 पेपर एक तरफ होते हैं और एक पेपर एक तरफ होता है, आपका एक पेपर वो 11 के 11 पेपर है, ये आपका इम्तहान है, ये आपका असल पेपर है जिसने आपको पास या फेल करवाना है। उसकी वजह क्या थी? वो कहते हैं कि जो आइडियाज जो उन्होंने प्रेजेंट किए, अब ये वो ये नहीं कह रहा कि आइडियाज प्रेजेंट नहीं किए, वो कहते हैं कि आइडियाज दिए, ख्यालात लोगों ने दिए, लेकिन वो कैसे ख्यालात थे? वो रेंडम ख्यालात थे जिनका कोई लिंक नहीं था, जिनकी कोई एक एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं बन रहा था। और अगर कोई ऐसा लिंक था जिसमें थोड़ा बहुत लॉजिक थी, लेकिन उनकी लॉजिकल रीजनिंग में फाइंड आउट नहीं कर सका कि उनकी उस फिक्रे के अंदर, सेंटेंस के अंदर उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और प्लस इसके बाद वो जो आर्टिकल्स थे वो सारे के सारे जो टॉपिक्स थे वो रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स नहीं थे। सो ये सारी की सारी चीजें बताई हैं उसने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर, समझाने की कोशिश की है ढंग से, अगर आप इसको देख सकें कि क्या क्या चीजें थी। इसके अलावा कुछ और चीजें भी उसने बताने की कोशिश की। ये रिपोर्ट है, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर इवेल्युएट करने वाले ने ये जारी की। देयर वाज नीदर कोहेरेंस नॉट क्रिएटिविटी, ना तो उनके अंदर कोई कोहेरेंस थी, ना के कोई बात कर रहे हैं उसके अंदर जो है वो एक कोहेरेंट वे के अंदर मूव ऑन कर रहा था, और ना ही उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी थी। तो ऐसी चीज जो उसने ढंग से जो है वो प्रोड्यूस की हो, याद रखेंगे आपके सामने जो नोटबुक्स हैं उनके ऊपर ये चीजें लिख लीजिए कि जो आइडियाज आपने प्रेजेंट करने हैं रेंडम आइडियाज की तरफ कभी नहीं जाना। याद रखेंगे कि रेंडम आइडियाज अगर आपने दिए अपने पेपर के अंदर, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो आप ऐड करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग को इग्नोर नहीं करेंगे, आपके जो भी पॉइंट होगा उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग होगी, जो भी फैक्ट लिखेंगे रिसर्च बेस्ड होगा, जनरल स्टेटमेंट से अवॉइड करेंगे, रिसर्च बेस्ड चीजों पे कोहेरेंस और क्रिएटिविटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स थे वो इस काबिल ही नहीं थे कि कोई एक आर्ग्यूमेंट भी जो है वो बना सकते जिनका मुख्तलिफ एंगल से जिसका मुआवजा किया जा सकता, और ना ही उनका कोई फैक्ट के साथ कोई रिलेशनशिप था। ये रिपोर्ट कह रही है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। और आखिर में एक चीज और कि आउटलाइन ऑफ द एसे वाज नॉट प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड, ये जो आउटलाइन बताई गई थी वो भी सारे के सारे स्ट्रक्चर नहीं थी, और जो ऐसे स्क्रिप्ट हमने देखे थे उसके अंदर आउटलाइंस को डिस्कस ही नहीं किया गया था, उसके एस्पेक्ट्स को जो शुरू में लिख दिए गए थे वो मेंशन ही नहीं किए गए थे। ये रिपोर्ट 2016 की हमें बता रही है कि ये डिटेल्स कुछ इस समझ से चल रही हैं। 2017 की रिपोर्ट्स में भी शायद कुछ इससे मुख्तलिफ चीजें नहीं थी, थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन उसके बाद हम अपनी मेन बात पे वापस आएंगे। देखिए
कहते हैं जी स्टैंडर्डाइज वॉज एग्जामिन ऑन द फुटिंग ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन, कि हमारा फोकस था आर्ग्यूमेंटेशन का, हमारा फोकस था कि हम कंटेंट को देखेंगे, कंटेंट क्या दिखा दिया, हमारा फोकस था कि लैंग्वेज को देखें और इंटेलेक्चुअल को देखें, सिग्निफायर उसने जो है, तीन चीजें होती हैं, ये सिगमंड फ्रॉड जो हमारे पास सिगमंड फ्रॉड है उन्होंने दिया था, फर्डिनेंड डी सॉसर जो है उन्होंने ये तीन चीजें इंट्रोड्यूस करवाई थी, साइन है हमारे पास, सिग्निफायर है और सिग्निफाइड है। मान लीजिए मैं अगर ये कहूं कि आपके सामने ये जो मैं एक एक बिल्ली मैं बना देता हूं फॉर एग्जांपल, अब ये जो अभी मैं एक बिल्ली बना देता हूं, ये बिल्ली जैसे ही मैंने कहा ये बिल्ली है, इस बिल्ली को क्या पता है कि ये बिल्ली है? ये बताइएगा, क्या इस बिल्ली को पता है कि ये बिल्ली है? जब मैंने एक कैट को कैट लिखा तो क्या कैट को पता है कि वो कैट है? उसको उससे कोई ताल्लुक है, उससे कोई चीजें हैं? उस बिल्ली को पता है कि उसका वो कैट है? ये मुझे बताइएगा। ये तीन चीजें होती हैं हमारे पास, साइन, सिग्निफायर और सिग्निफायर जो होता है। ये सिग्निफायर होता है कि जिसको देखते ही कुछ चीज जहन में आ जाए, जिसको देखते ही। क्या जब भी कैट लिखते हैं आपके जहन में कोई स्पेसिफिक कैट आ जाती है या नहीं आती है? जैसे मैंने कैट लिखा तो आपके जहन में कोई कैट आ जाती है, यस नो? मतलब इसमें लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको ये समझ में आता है, आ जाता है, वो सिग्निफायर है। वो कहता है, समझाना चाहता है यहाँ पे, वो आपसे पूछ कह रहा है, जब मुझे जो है वो इंटेलेक्चुअल सिग्निफायर जो है वो नजर नहीं आ सके, ठीक है, कि मैं ये चाहता था कि इंटेलेक्चुअल सिग्निफायर हो। द क्वालिटी जो थी और लेवल ऑफ हमारे पास आर्ग्यूमेंटेशन थे वो बहुत पुअर थे, सो कैंडिडेट को जो है वो पता ही नहीं था कि किस तरह से प्रोसीड फर्दर करना। ये सारी की सारी रिपोर्ट आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, इसको भी एक दफा देख लीजिएगा। 2017 है, 18 है, 19। अब इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी की सारी चीजें तो आपको इस रिपोर्ट में भी पता चल जाएंगी, और जो चीजें हम डिस्कस करना चाहते हैं, जो चीजें हम बताना चाहते हैं, वो ढंग से आपको समझ भी आ जाएगी। करना क्या है, आपने जो है वो प्रॉपर बिगिनिंग करनी है, एलोबोरेट टॉपिक के साथ जो है वो करेक्ट एंड फ्लॉलेस लैंग्वेज को लिखना है, वोकैबुलरी आपने जो है वो अप्रोप्रिएट लिखनी है, लिटरेसी और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का यूज करना है, रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करें, क्रिटिकल रेलिवेंट थॉट्स का इस्तेमाल करें, कुछ लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कोहेरेंस दें। सो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास ऐसे के हवाले से बढ़िया है। हम इस रिपोर्ट पे वापस आए, हम इस इन डिटेल्स पे बात दोबारा करेंगे, मैं आपके साथ ये शेयर भी कर दूंगा, लेकिन इससे पहले इस रिपोर्ट पे बात करने से पहले और क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसके लिए हम अपने व्हाइट बोर्ड पे वापस जाते हैं और कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने पुट करने की कोशिश करता हूँ, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि असल में प्रॉब्लम होती कहाँ पे है, जरा इन फैक्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, कहानी हमारे पास CSS इंग्लिश ऐसे की एक चीज जहन में रखेंगे, और वो जहन में आप चीज ये रखेंगे, जब हम टाइम एंड अगेन कहते हैं और मैं दोबारा ये कहूंगा कि CSS के पेपर में, CSS के एग्जाम्स में 11 पेपर होते हैं, लेकिन एक आपका जो है वो सही इम्तिहान होता है, और वो इंग्लिश ऐसे है। अब कहानी हमारे पास ये है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की अभी हमने रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट ने हमें ये तो बता दिया कि इतने इतने लोग फेल होते हैं, हमें ये भी पता चल गया कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, लेकिन हमें ये फेलियर जो है इसकी रीजंस को दूर कैसे करें, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमें शायद उस तरह से नहीं बताया या हम समझ में नहीं पाए। कहानी में असल प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, जब कोई इम्तिहान फॉर एग्जाम्पल किसी ने PMS को पास कर लिया, उसने PMS वाले तमाम के तमाम असूलों को CSS पे भी लागू कर दिया, किसी ने किसी यूनिवर्सिटी का इम्तिहान पास कर लिया, उसने उन्हीं ऐसे के तमाम असूलों को पकड़ा और उन्हीं को उठा के उसने क्या किया, उसने CSS के ऐसे के ऊपर भी लागू करना शुरू कर दिया, CSS के ऐसे के ऊपर भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। ये चीजें सारी की सारी जो है इंटरकनेक्टिविटी है, इसमें कुछ चीजों को ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली चीज, अपने जहन से एक चीज को डीलिंक कर दीजिएगा, खत्म कर दीजिएगा, और वो चीज अपने ये डीलिंक करनी है कि आपका CSS का पेपर कंप्लीटली डिफरेंट पेपर है जो बाकी सारे के सारे एग्जाम्स है। इससे पहले आप ऐसे के टॉपर रहे हो अपने कॉलेज के अंदर, आपने जो कुछ भी मजामीन में किया वो एक डिफरेंट डिबेट है, आप काइंडली उनके साथ अपने टॉपिक को लिंक नहीं कीजिएगा, उनके साथ आप अपनी चीजों को रिलेट नहीं कीजिएगा। वंस अगेन, ये ऐसे का पेपर है, ऐसे के पेपर में चीजें जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड आती हैं और अनएक्सपेक्टेड चीजें आएंगी, आपको सरप्राइज के लिए जो है वो तैयार रहना है। आपने
कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने केपीपीएससी का पेपर जो आपके ग्रुप में शेयर भी किया गया उसको देखा? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने केपीपीएससी का पेपर देखा? जरा यस के नाम से बता दीजिए कि या मी लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले कितने लोगों ने देखा। आप जरा खुद से सोचिएगा। सारा ने नहीं देखा, वकास ने देखा, सारा ने नहीं देखा आई थिंक। सारा ने शायद ग्रुप में नहीं थे तब में वो, खैर सारा ने नहीं देख सके। बाकियों ने देखा, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। केपीपीएससी का पेपर जो है वो एक ऐसा पेपर था जिसने सबके होश गुम कर दिए। कैसा नहीं था? अनएक्सपेक्टेड पेपर। बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े दावे करते थे सारे के सारे खत्म हो, वो अनएक्सपेक्टेड पेपर था। अब वजह क्या है? लोग तैयारी नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लोगों को क्या लगता है कि ऐसे जो है ठीक है हम क्लासेस लेंगे, क्लासेस लेने के बाद कुछ असूल कुछ कायदे हम जो है वो सीख लेंगे, उन्हीं को हम अप्लाई करेंगे और हमारा कंपेटिव एग्जाम्स का पेपर पास हो जाएगा। ये गलत फहमी है आपकी हजूरे वाला। अगर आपने सीएसएस के ऐसे को पास करना है और अगर आपको लगता है ये जो चीजें जो एग्जामिनर ने आपके सामने पुट की हुई हैं, जिस रिपोर्ट पे अभी हमने 10-15 मिनट बात की है और इसको मैंने आपको तफसील से बताया और समझाने की कोशिश की है, इसमें जो उसने बहस की है, इन तमाम चीजों को आप इग्नोर करके पास कर लेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो चीजें हम ऐसे का पेपर होता है सीएसएस ऐसे का। हारिस वेलकम टू द क्लास। हारिस माशाल्लाह से उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने पहले भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स को जो है वो ऐसे को पास किया हुआ। हारिस आई एम श्योर बट इनशाला यू विल लर्न अ लॉट मेनी न्यू थिंग्स। ऐसे के पेपर में हमारे पास जो है सिर्फ लर्न करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ऐसे के पेपर में हमारे पास प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट होती है, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट होती है। और जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं, प्रैक्टिस में होता क्या, एक चीज याद रखिएगा कि ऐसे जो है वो हमारे पास मैकेनिकल टास्क है। मैकेनिकल टास्क का क्या मतलब है? लोग लिखते नहीं है, जब उन्हें कहा जाता है कि राइट करें, इसको लिखिए, अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिख के दिखाइए, अपनी आउटलाइन लिख के चेक करवाइए, वो इसको लाइट लेते हैं। ये समझते हैं कि ठीक है मैंने ऐसे के लिए एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रखा है, बस अब तो उन्हीं का काम है। नहीं हजूरे वाले ये गलत है, यहाँ पे रुकिए, अपने आप को तसी कर लीजिए, ये एक मैकेनिकल टास्क है। क्लास के अंदर जब आपको टाइम एंड अगेन कहा जाता है कि इसके ऊपर लिखिए, आप समझते हैं नहीं 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 मेरा लिखना जरूरी नहीं है, यकीन कीजिए आपके एग्जामिनर को भी फिर लगता है कि आपका पास होना जरूरी नहीं है। ऐसा होता है, ये नेचुरल सी चीज है। अब क्या होता है ऐसे में, एक तो मैकेनिकल टास्क है, लोग लिखते नहीं है, दूसरे नंबर पे क्या होता है वो टॉपिक जो है वो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, 10 के करीब टॉपिक्स जो है वो दिए जाते हैं, वो टॉपिक वो वाला सेलेक्ट कर लेते हैं जिसपे उनका नॉलेज जो है वो 2 से 4 पेजेस के बाद बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो अपेरेंटली उनको लगता है कि यार मैं इस पे लिख सकता हूँ, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा आगे चलते हैं एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो है वो सरफेस लेवल का नॉलेज खत्म हो जाता है। ऐसे के पेपर को करने से पहले जो चीजें इससे पहले सीख चुके हो, जो असूल अपनी एकेडमिक राइटिंग में अप्लाई करते आ रहे हो, जो चीजें ऐसी जो इससे पहले पहले जिंदगी में कहीं पे सीखी, किसी यूनिवर्सिटी के ऐसे को पास किया, उनको अनलर्न कर दो। देखो सीएसएस के ऐसे को रीलर्न करो, और जब मैं ये कहता हूँ कि रीलर्न करो, मैं रेफर करूंगा उसी रिपोर्ट की तरफ जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी की है। ये रिपोर्ट अभी मैंने आपके साथ शेयर की और हमने 10 मिनट इस पर बात की, हम मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। ये रीलर्न करो कि ऐसे लिखना कैसे है। और जब हम रीलर्न की बात करते हैं तो रीलर्न में शायद आपके पास सीखने की जरूरत है, आपको वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो कि उसने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताए हैं, ये पॉइंट्स आपके ऐसे की पहली नोटबुक के पेज के ऊपर लिखे हुए होने चाहिए। ये आपके आपको सोते जागते एक चीज का पता हो कि अच्छा जी मुझे अगर ऐसे के डोमेन में ढंग से काम करने की जरूरत है तो शायद कुछ ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं, और वो पॉइंट्स जो है वो हमने अभी डिस्कस किए हैं कुछ से पहले जो है वो। अच्छा जी अब जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं एक चीज और गुजारिश करना चाहूंगा आपसे, और वो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैं ये कहता हूँ कि आप कुछ चीजों को अनलर्न करें, आप कुछ चीजों को दोबारा से सीखने की कोशिश कीजिए, उसमें मेरा मतलब है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कीजिए। हजूर वाला अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, अगर आपको स्पीड आपकी नहीं है, अगर आपकी फ्लुएंसी नहीं है, अगर आप जो है वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, इट मीन्स कि आपको कोई फायदा नहीं है कि आपने उस ऐसे को किस तरह से प्रिपेयर किया और आपको जो है वो कितना नॉलेज है उसके ऊपर। सो आपके पास जो टाइम की मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा देखिए, अक्सर लोग क्या करते हैं, वो बड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं, जैसा कि हर बंदा ही सेल्फ ब्लैकमेल बड़ी जल्दी हो जाता है। जब पीएमएस का पेपर इवेल्युएट कर रहा होता हूँ, पंजाब के पेपर, आपको पता है कि मेरी इवेल्युएशन से गुजरते हैं, जब मैं इवेल्युएट करता हूँ तो दो चीजें मुझे बड़ी कॉमन नजर आती हैं। और वो पहली चीज उसमें ये है कि लोग जो हैं वो ऐसे को ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं कि शायद वो जिस तरह से किसी करंट अफेयर के पेपर को डील कर रहे होते हैं, जिस तरह से वो किसी ऐसे पेपर को डील कर रहे होते हैं जिसमें उनको 20 मार्क्स के पेपर को, 20 मार्क्स के क्वेश्चन को आंसर करना होता है। पता नहीं लोग क्यों भूल जाते हैं कि ऐसे जो है वो एक मुकम्मल पेपर है, ये कोई 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है जिसके लिए आपने इधर उधर से कोई जुगाड़ लगा लिए, कोई दो चार चीजें बातें इकट्ठे कर ली और कहानी जोड़ के लिख ली, ऐसा नहीं है। देखिए, एक कुछ पेपर्स हमारे पास ऐसे आते हैं जब हम जो हैं वो उनको समझ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। एक पेपर ऐसा आया जिसपे पढ़ते पढ़ते अंडरस्टैंड करना बिल्कुल हम रुक गए, हम समझना रुक गए। मुझे अगर एक पेपर को जिसको चेक करते हुए मुझे कोई 10 दफा जो है वो डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ता है कि उसने पता नहीं कौन कौन सी ऐसी वोकैबुलरी उसके अंदर पुट कर दी है जो इतनी मतलूक हो चुकी है कि ना तो मैंने अपने करियर के अंदर जो है वो थ्रू आउट माई करियर हमने उसको देखा। हमने जो है जिन्होंने इंग्लिश की डोमेन में कम अज कम जो है वो 22 साल गुजार दिए लर्निंग में, उसके साथ साथ हमें आज तक नहीं पता चला, या टाइम एंड अगेन हम उनको देखते जा रहे हैं, तो उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो वहां पे आकर स्टॉप हो जाती है। लैंग्वेज जो है एक ऐसी जुबान जिसमें एक तो लैंग्वेज के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, टाइम एंड अगेन जो है वो इतने मतरूक वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं तो जिनको समझना ही मुश्किल है, ग्रामर की ऐसी गलतियां हैं कि जिनकी टाइम एंड अगेन आपको इरिटेट कर रही हैं, बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, कोई टेंसेस की मिस्टेक है, कोई ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको जो है बार बार जो है वो इस चीज पे मूव बैक कर रही हैं कि आप अपने डिसीजन को मार्क्स के हवाले से देखने की कोशिश करें। सो ये चीजें एग्जामिनर को स्टॉप करती हैं, रोकती हैं। ना तो आपकी जुबान जो है वो इतनी आसान होनी चाहिए कि जिसमें ना तो कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, ना तो जिसके अंदर जो है वो कोई एक्सप्रेशन आपका बेहतर हो, और ना ही कोई ऐसी लैंग्वेज हो कि जिसको समझने के लिए, कि शायद एक एक लफ्ज को देखने के लिए 10 दफा डिक्शनरी का सहारा लेना पड़े, ये एक अच्छी चीज नहीं है। बैलेंस लैंग्वेज जो है उसमें चले, आपने जो है वो एब्स्टीमियस लैंग्वेज को यूज करना है, बैलेंस वे में आपने मूव ऑन करना है। अगर आप बैलेंस वे में मूव ऑन नहीं करेंगे तो क्या होगा ये भी मैं बता देता हूँ। ऐसे बच्चे जो बड़ी अच्छी इंग्लिश को लिखते हैं, एक दो पेजेस पे लिखते हैं, दो तीन पेजेस के बाद ही वो अपने नेचुरल एक्सप्रेशन वापस आ जाते हैं। उनका पहला ऐसे का बस 2-3 पेजेस पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि बहुत अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जैसे हम 4-5 पेजेस पे पहुंचते हैं उसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो ऐसे लगता है कि ये एंड वाला ऐसे किसी और ने लिखा हुआ है, ये उसका लिखा हुआ ही नहीं है। क्योंकि उसके आप किसी को कॉपी जब करते हैं, आप किसी के एक्सप्रेशन को जब कॉपी करने की कोशिश करते हैं, खास सतह तक ही कर सकते हैं, अजूबे वाला कॉपी जो है वो आप सारी चीजों को नहीं कर सकते हैं, ना ही कॉपी सारी की सारी चीजें होती हैं। आप कितनी कुछ चीजों को कॉपी करेंगे, आप किसी के स्टाइल को, आप किसी के टून एंड टेनर को आप कब तक कॉपी करेंगे? आप उसके बाद अपने नेचुरल लैंग्वेज पर वापस आते हैं। जब आप अपने नेचुरल लैंग्वेज पर वापस आते हैं फिर आप एक्सपोज होते हैं, ठीक है। सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि प्रैक्टिस के साथ अपने नेचुरल लैंग्वेज को बेहतर बनाया जाए, और बजाय इसके कि हम ऐसी चीजों को, आर्टिफिशियल चीजों को यूज करें जिससे हमारे पेपर, आधा पेपर लिखा हुआ किसी एक्सपर्ट का लगे और आधा जो है वो किसी नॉविस का लिखा हुआ लगे, किसी ऐसे बंदे को जो इस फील्ड में नया है, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस। इसके बाद अगली मैं आपसे बात करना चाहूंगा टॉपिक थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से। इसको अक्सर लोग जो है वो स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक भी कहते हैं, थीसिस स्टेटमेंट जो है वो। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? थीसिस स्टेटमेंट टाइम एंड अगेन जो है वो थीसिस स्टेटमेंट जो है वो थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? थीसिस स्टेटमेंट वैसे आपको क्या लगता है थीसिस स्टेटमेंट क्या है, चैट बॉक्स में बताइएगा। लेट्स सी आपको थीसिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या आती है। थीसिस स्टेटमेंट, हम 30 सेकंड का टाइम लेते हैं, मरकजी ख्याल, वेरी गुड, अच्छा आपने पॉइंट लिखा, मेन आइडिया, वकास अनीफ हाशिर साहब, वेरी गुड, मेन आइडिया, गुड, ओके। बाकियों का आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स, द रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट, स्ट्रक्स ऑफ द एसे, ठीक है जी। अ स्टेटमेंट इन विच यू गिव योर ओन ओपिनियन, वंडरफुल, वेरी गुड जी। अच्छा इसमें जो है वो पार्टिसिपेट आप करेंगे, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आई एम रियली सॉरी, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग।
अगर आप जो है वो चैट बॉक्स में आंसर नहीं दे सकते हैं तो इट मीन्स आप शेयर करें, देर इज नथिंग गुड नथिंग बैड नथिंग करेक्ट नथिंग रॉन्ग। आपकी स्टेटमेंट अगर गलत होंगी तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प आउट करूंगा कि उसे ठीक कर दें। जी हारिस राणा साहब आपका आंसर नहीं मैं देख सका, मिस सारा का आंसर मैं नहीं देख सका, वकास अनीस साहब का देख लिया, ठीक है। सिंगल सेंटेंस दैट सम्स अप योर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है जी। हारिस साहब क्या लगता है क्या होती है ये? अच्छा जी, मीनवाइल द रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर टाइपिंग थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, इस डोमेन पे हम बात करते हैं। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो ओपिनियन है, वो चीजें हैं, वो ख्याल है जो आपको लगता है। थीसिस स्टेटमेंट जो है हमारे पास एक ऐसा विजन है, एक ऐसी आउटलुक है जिससे आप मूव ऑन करते हैं अपने वे में। आपने कोई ओपिनियन दिया, आपने कोई ख्याल बताया, आपने कोई अपने अंदाज के अंदर चीजों को बात की, आपने जो अपना ओपिनियन शेयर किया वो थीसिस स्टेटमेंट है, ठीक है। सो ओपिनियन यस, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट के साथ असल प्रॉब्लम तब होती है जब लोग पता क्या करते हैं, थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट पूरे के पूरे ऐसे के अंदर उनकी नजर ही नहीं आती है, या उससे डेविएट करते हैं, या उसमें थीसिस स्टेटमेंट से जब डेविएट करते हैं तो कुछ हमारे पेपर में होते हैं माइनर माइनर मिस्टेक्स और कुछ होते हैं हमारे पास ब्लंडर्स। अब माइनर मिस्टेक्स में क्या, मान लीजिए किसी ने मिस्टेकनली कोई स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत हो गया, किसी से कहीं एक दो जगह पे पूरे ऐसे में मैक्सिमम जो है वो एक दो पेज में कहीं कोई पंचुएशन की मिस्टेक हो गई, तो मान लीजिए कि वो स्ट्रोक ऑफ द पेन था। ब्लंडर हमारे पास वो है जब किसी ने ग्रामर के साथ मिस्टेक की, हमारे पास ब्लंडर ये है जब उसने थीसिस स्टेटमेंट से डेविएट कर गया, ठीक है जी। सो डेविएट करना, उसकी जो डेविएशन है वो ब्लंडर जो है वो आते हैं, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं डॉन के अंदर, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनके एक्सप्रेशन सीखें। मलिहा लोधी के मैं रिकमेंड करता हूँ, इरफान राजा के रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। लेकिन लोग जब एज इट इज डॉन के आर्टिकल्स को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं और वहीं से लाइनों को एज इट उठाते हैं, तो इट मीन्स उन्हें एक ऐसी फिक्टिशियस वे में वो मूव ऑन करते हैं, थीसिस स्टेटमेंट से दूर होते चले जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट याद रखिएगा आपके अपने ओपिनियन का नाम है। हम लेक्चर के एंड पे कुछ थीसिस स्टेटमेंट बना के भी देखेंगे। अब अगली चीज क्या होती है, आउटलाइन के ऊपर जो है वो बड़ा सा हेडिंग दे देते हैं आउटलाइंस। अब एग्जामिनर जब आउटलाइंस को देखता है ना, उसको वहीं से मौत पड़ जाती है। ये वैसे क्या है आउटलाइंस, ठीक है आउटलाइंस, ठीक है इस पे हम बात करेंगे। आमना आउटलाइंस मैंने लिखा, ये ठीक है आउटलाइंस? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आउटलाइंस तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, आउटलाइन होनी चाहिए, हम एक आउटलाइन जो है वो लिख रहे हैं। सो आउटलाइन जब हम देखते हैं, अब आउटलाइन जो दिया वो जो स्ट्रक्चर हमने बताया, अब वो क्या हुआ, वो भी एक लॉजिकल सीक्वेंस का हिस्सा नहीं है, वो भी एक लॉजिकल वे में नहीं है। अच्छा आपको एक मजे की बात बताते हैं, मुझे ये बताइएगा ये जो हम आउटलाइन लिख रहे होते हैं, क्या ये आउटलाइन आपके जो ऐसे है ये उसका हिस्सा होता है? आउटलाइन जो है क्या आपके ऐसे का हिस्सा होता है? क्या आउटलाइन जो है वो ऐसे का हिस्सा है? ऐसे की अगर हम कुछ पार्ट्स के ऊपर बात करें तो आउटलाइन जो है क्या हमारे ऐसे का हिस्सा होता है? आप यस नो में बता सकते हैं आपका आइडिया जो भी है। हारिस राणा साहब ने बताया नो, वेरी गुड। उन तमाम के लिए कि जिनका आंसर जो है वो नो है, वेरी गुड नो, आउटलाइन आपके ऐसे का हिस्सा नहीं होती है, लेकिन आउटलाइन बहुत जरूरी होती है आपके लिए। ये हम लोग खुद अपनी आसानी के लिए बनाते हैं, ये हमारे ऐसे का हिस्सा नहीं होती, लेकिन हमें बनानी होती है, क्योंकि उसके बाद उसके बगैर क्या होगा, हमें तो लॉजिकल सीक्वेंस को मेंटेन नहीं रख सकेंगे। जब आप लॉजिकल सीक्वेंस को मेंटेन नहीं रख सकोगे, उसके बाद क्या होगा, आप इधर उधर निकलते चले जाओगे और फिर आप जो है वो शायद पास होने से भी दूर चलते जाओगे। देखिए लोग लॉजिकल सीक्वेंस से भटकते कैसे हैं, ये एक अलग-अलग स्टोरी है, लेकिन थोड़ी सी बात, इधर टॉपिक आया, इधर देखा एग्जाम के अंदर जो है वो टॉपिक मिला, टॉपिक के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, अंधा धुंध लिखना शुरू कर दिया। ठीक 15 मिनट बाद पता चला कि मैंने जो है वो 3 पेजेस लिख दिए हैं,
अब 3 पेजेस लिखने के बाद क्या हुआ, अब आगे पता ही नहीं है क्या लिखना, समझ ही नहीं आ रही है यार, जो आता था वो तो मैंने लिख दिया, अब इससे आगे क्या करूं। कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि टॉपिक के बाद थोड़ी सी रिसर्च कर लो, जैसे ही टॉपिक देखा, अब टॉपिक कितनी तरह के होते हैं इस पे भी बात करेंगे, लेकिन CSS के पेपर में जब पेपर मिलता है, कम से कम आप आधा घंटा 30 मिनट्स तो कम से कम रफ वर्ड के लिए रखो, जो एनुअली शीट है वहां पे चले जाओ, वहां पे जाने के बाद रफ वर्क करो, 3 चीजों को बना के देख लो, पहले तो अपनी थीसिस स्टेटमेंट देख लो कि थीसिस स्टेटमेंट बनानी आती है, बना लोगे, फिर रफ सी एक आउटलाइन बना के देख लो कि आउटलाइन बना लोगे, फिर इंट्रो भी रफ सा बना के देख लो, लेकिन ये काम क्विकली करोगे। अगर जिंदगी में ना कोई इवेल्यूएशन सेशन अटेंड किया, ना कभी कोई अपने अपनी कॉपी ऐसे लिखने के बाद मार्क करवाया, ना कभी किसी की कोई एक्सपर्ट ओपिनियन ली, ना कोई प्रैक्टिस थी, तो कैसे मुमकिन है कि 2500 से लेके 3000 वर्ड्स का ऐसे जो है वो 2 से 2.5 घंटों के अंदर कर लोगे? इम्पॉसिबल है, और रिजल्ट फेल की सूरत में आएगा, भले आप जितने मर्जी एक्सपर्ट खुद को क्लासेस लेने के बाद समझते रहें, आप जितना मर्जी कहते रहें कि जी मैंने तो कोई 1000 क्लासेस लेनी है, न्यूटन ने मुझे पढ़ा दिया है, अनटिल अनलेस यू आर नॉट राइटिंग इवन ए सिंगल एसे, आप नहीं कर सकोगे, आप एक्सपर्ट ही नहीं बन सकोगे। मोबाइल फोन पे टाइपिंग कर करके, चैटिंग कर करके स्पीड इतनी बिगड़ चुकी होती है कि पेंसिल पकड़ते ही हमें लगता है इससे अच्छा था कि मैं टाइप ही कर लेता तो वो ज्यादा अच्छा था। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस जो है वो अजूबे वाला होनी चाहिए, और प्रैक्टिस इस हद तक होनी चाहिए कि इस ऐसे को आपने क्या करना है, आपने 2 घंटों के अंदर जो है वो कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करनी, 2 नहीं तो 2 घंटे और 10 मिनट ले लो, 15 मिनट ले लो, लेकिन उसके बाद जो है वो उसकी प्रूफ रीडिंग के लिए भी टाइम होना चाहिए कि आप इसको प्रूफ रीड कर सको। और ये स्पीड जो होती है ये मैटर करती है, ये स्पीड मैटर करती है, और ये स्पीड बनती है आपकी प्रैक्टिस के साथ, ये स्पीड बनती है जब आप जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होते हो। एक बात मैंने याद रखना, ये सेशन में मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये करने लगा हूँ, देखो आपको CSS के ऐसे के अंदर मैं ये कहूंगा कि आप बड़े बड़े गोल ना सेट करना, और ना ही इतने बड़े गोल सेट करने से कुछ रियलिटीज होती हैं, कोई मैं नहीं कहता इसमें 70 नंबरों का ख्वाब देख लो, 80 नंबरों का ख्वाब देख लो, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, लेकिन 40 का जरूर देखो, तो मुझे 40 नंबर्स या 40 से कम ऊपर कोई 5 नंबर लेने हैं, 45 नंबर रियलिस्टिक अप्रोच में मुझे यहाँ तक पहुंचना है। बड़े बड़े टॉपर्स जो हैं वो गुजरे हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की हिस्ट्री में, किसी दिन किसी इन तमाम टॉपर्स का, कोई 20-25 साल के टॉपर्स का रिकॉर्ड उठा के देखो, आप देखोगे कुछ शायद ही शाजो नाजर कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि ये 40 से ऊपर जाते हैं। सो और उनकी तादाद जो कि 40 या 45 से ऊपर होंगे, उनकी तादाद जो है आप उंगलियों पे गिन सकते हो, शायद कोई 10-15 या इससे ज्यादा हरगिज नहीं हो सकती है। सो आपका टारगेट जो है वो आपने 40 नंबरों को हिट करना है भाई। ऐसे का पेपर जो है वो एक भारी पेपर है, वजनी पेपर है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट चीफ चीफ क्या कह रही है, और आपने इसमें रियलिस्टिक रहना है। 20 मार्क्स जो है, सॉरी, आपने जो टॉप 20 के भी मार्क्स उठा के देखो, आपको यही लगेगा कि 40 से 45 नंबर बहुत बड़ी बला है। अब हमें प्रॉब्लम क्या होती है, अक्सर लोग क्या करते हैं, हम PMS का पेपर जब इवेल्युएट करते हैं, PMS का पेपर और CSS का पेपर जुड़े वाले दोनों दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर आपने हालिया कोई PMS दिया है तो काइंडली PMS का जो पेपर है, हारिस साहब थैंक यू, PMS का जो पेपर है उसकी टेक्निक मुख्तलिफ है, उसका तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, उसको ढंग कर से उसको अटेंड करने का, उसको अटेम्प्ट करने का, उसके अंदर बैठने के जोक शोक सब चीजें आता है। PMS का पेपर मुख्तसर होता है, शॉर्टर पेपर होता है, PMS का पेपर जो होता है वो मोर स्पेसिफिक होता है, वो आपसे चीजें जो मांगते हैं वो ज्यादा स्पेसिफिक अंदाज के अंदर मांगते हैं। PMS का पेपर जो है वो एक ऐसा पेपर होता है जिसमें आपको तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है, आप टॉपिक के साथ एज इट इज खेल नहीं सकते हो, प्ले नहीं कर सकते हो, खुल के एक्सप्लोर नहीं चीजों को कर सकते हो। CSS का पेपर जो है वो एक ऐसा पेपर होता है जिसमें एग्जामिनर आपसे आपका विजन मांगता है, वो चेक करता है कि आपका थिंकिंग लेवल कहाँ तक है, वो जानना चाहता है कि मुख्तलिफ चीजों को लेके आपकी आउटलुक कैसी है, वो ये देखना चाहता है कि आप किस तरह से जो है वो रीजन को इन कैलकुलेट कर रहे हैं इन तमाम चीजों के साथ, वो जानना चाहता है कि आप किस किस डोमेन के अंदर जो है वो जा सकते हैं। एक बड़ा टॉपिक है, एक 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 ज्यादा डोमेन्स के अंदर खुलने वाला टॉपिक है। अब अगर हम टॉपिक की बात कर ही रहे हैं,
तो यकीनन हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है रफली स्पीकिंग कि सीएसएस में हमारे पास टॉपिक्स आते कितने तरह के। देखिए दो तरह के हम अपनी आसानी के लिए इनको तकसीम कर लेते हैं। एक तो हमारे पास है जी ओपन एंडेड, नाम से जाहिर है ओपन एंडेड, और दूसरा हमारे पास है क्लोज एंडेड। हजूरे वाला ओपन एंडेड से मुराद हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक हैं डेफिनेटली जिसमें हम किसी भी डायमेंशन में निकल सकते हैं। आप मिसाल के तौर पर एक टॉपिक, अब भूल जाइए कि मैंने ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड लिखा, मुझे एक चीज बताइएगा, अगर मैं ये बात आपसे जो है वो कह रहा हूँ, ये मुझे बताइएगा, अगर मैं ये कहता हूँ आसान कर लेते हैं, ये क्या ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है? वुमेन एम्पावरमेंट, ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, ओपन एंडेड है। और अगर मैं ये लिखता हूं ये बताइएगा, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास क्लोज है, जिसमें आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, जिसके अंदर आप जो है वो बात जब करते हैं आपको डोमेन के अंदर रहना पड़ता है, उसे आप निकल नहीं सकते हो। ठीक है, ये दोनों के अंदर जो है वो फर्क होता है। देखो सीएसएस के ऐसे में दो तरह के एरियाज को कवर करता है एग्जामिनर जो है, जो इसके की एरियाज हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला, इसके अंदर जो है वो इंटरनेशनल इश्यूज जो होते हैं उनके ऊपर बात की जाती है, और इसके साथ साथ आपके पास जो है वो नेशनल इशू या जिन्हें हम डोमेस्टिक इश्यूज भी कहते हैं उनके ऊपर बात की जाती है। तो ये इंटरनेशनल इश्यूज और डोमेस्टिक इश्यूज हैं क्या क्या भाई, जब बात करोगे, अगर आप सिंपली जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो इंटरनेशनल इशू है, आप डेमोक्रेसी के ऊपर सिंपली बात करते हो इंटरनेशनल इशू है, आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते हो इंटरनेशनल इशू है, लेकिन अगर आप बात करते हो वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान तो वो आपके पास जो है वो लोकल लेवल का इशू है। आप जब बात करते हो एजुकेशन इन पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक लेवल की बात करते हो, आप फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान की बात करते हो, आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक टॉपिक की बात करते हो, करप्शन इन पाकिस्तान तो वो डोमेस्टिक टॉपिक है। दोनों तरह के टॉपिक्स आते हैं और ये लाजमी है कि डोमेस्टिक टॉपिक भी होगा। हम क्लास को दोबारा ज्वाइन करेंगे उसी लिंक से, वो नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर कुछ स्क्रीन शॉट लेना चाहे, ये पहली स्क्रीन है, इसमें हमने चीजों को डिस्कस किया, ये दूसरी स्क्रीन है, ये तीसरी स्क्रीन है, ये फोर्थ वाली स्क्रीन है। हम दोबारा वापस आएंगे, आने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पेपर में कौन कौन सी चीजें थी, 2016 के बाद ट्रेंड कैसे चेंज हुआ, हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, रूब्रिक्स है जिनसे हम पेपर को चेक करते हैं, और बहुत सी चीजें, टाइप्स ऑफ एसेस को हम डिस्कस करते हैं। सो उसी लिंक से ज्वाइन करें और यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।